नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट पे जैसे ही हम जाते हैं तो हमें स्टार्टर के रूप में कुछ इसी तरह से सर्व किया जाता है ना। देखिएगा, ये हम घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसमें हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हम सबके घरों में होते ही हैं, तो बिल्कुल घर के ही सामान से ये बहुत ही टेस्टी हमारा स्टार्टर बन के तैयार हुआ है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा डिश है। देखिएगा, पास से भी दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी दिख रहा है। इसे हम घर में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, कोई गेस्ट आने वाले हो, तब भी इसे स्टार्टर के रूप में बना के दे सकते हैं और बच्चों को तो शाम को चाय के समय भी, जब वो खेल कूद कर मस्ती करते हुए घर पर लौटते हैं और भूख लगती है तो छोटी मोटी भूख के लिए भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक बार उन्हें बनाकर खिलाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आइए बगैर देर किए जल्दी से इस मज़ेदार स्टार्टर की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही टेस्टी स्टार्टर की रेसिपी बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए दो मीडियम साइज़ के आलू मैंने अच्छे से उबाल लिए, छिलका हटा लिया और उसका इस तरह से बड़े बड़े पीसेस पर मैंने कट करके रखा है। और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, उसे भी मैंने बीज हटाकर और इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कराए, क्योंकि आलू भी हमने लंबे काटे हैं ना, इसलिए। एक इंच का अदरक है, उसे भी बारीक कट करके रखा है। दो हरी मिर्च को भी कट लिया है और 10-12 कली लहसुन को भी छिलका हटा के मैंने कट लिया है। फ्रेंड्स, लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हरा धनिया लिया है। अगर आपके पास उबले आलू ना हो और आपको ये रेसिपी जल्दी में बनानी हो तो कच्चे आलू को भी आप इस तरह से काट कर और जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम हल्का सा मसाला डालेंगे। तो 1/3 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, काली मिर्च पाउडर उसे डाल दिया है। 1/3 चम्मच ही नमक है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अब ये आलू बॉइल्ड हैं इसलिए हाथ से करेंगे तो टूट जाएंगे, तो मैंने फोर्क ले लिया है और फॉर्क से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के जो पीसेस है इस पर कॉर्नफ्लोर की लेयर अच्छे से आ जाए। आलू पर मसालों के साथ में कॉर्नफ्लोर की अच्छी कोटिंग हो गई है, देखिए इस तरह से। अब गैस पर मैंने एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। हम इसको अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तेल का इस्तेमाल न करते हुए इसे शेलो फ्राई करने वाली हूँ। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब फ्रेंड्स, एक एक पीसेस इसमें हम इस तरह से रख देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। इस तरह से सारे पीसेस में पैन में डाल देती हूँ। सारे पीसेस एक साथ ही रखा गए हैं, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई पे ही रखा है। अब हम इसे उलट पुलट कर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हमारे बाउल में बच गया है, तो अभी हम जब स्लरी तैयार करेंगे ना, इसका उपयोग हम तब करेंगे। इसे अच्छे से हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। 3-4 मिनट का टाइम लगा और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे आलू के जो पीसेस है एकदम कुरकुरे हो गए हैं, क्योंकि हमने इस पर कॉर्नफ्लोर लगाया है ना, इसलिए। और कलर भी उसका बिल्कुल सुंदर वाला सुनहरी कलर आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम और इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे फ्रेंड्स। आलू निकालने के बाद में जो ऑयल इसमें बचा है, अब इसी में हम लहसुन डाल देंगे और इसे भी हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। लहसुन अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम अदरक जो कि हमने काट के रखा है, हरी मिर्च और जो शिमला मिर्च है इसे भी डाल देंगे और इसे भी हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। और साथ में ही 1/2 चम्मच में सफ़ेद तिल भी डाल देती हूँ ताकि ये भी अच्छे से चटक जाएंगे। शिमला मिर्च फ्राई होते हैं तब तक फ्रेंड्स हम एक और तैयारी करके रख लेते हैं। हमारा जो कॉर्नफ्लोर कोट करने के बाद में, आलू के पीसेस को कोट करने के बाद बचा था वो ले लिया, तो वो 1/2 चम्मच था और 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने और ले लिया। तो ये एक चम्मच कॉर्नफ्लोर हमारा तैयार है। अब इसमें 2-3 चम्मच के करीब मैं पानी डाल देती हूँ
और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्लरी भी बनके तैयार हो गई है। शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो बीच में थोड़ी सी जगह बना देते हैं ताकि अब हम सॉसेज डालेंगे। छोटे चम्मच से आधा चम्मच में सोया सॉस डाल रही हूँ, बड़े चम्मच से 2 चम्मच के करीब मैंने टोमेटो सॉस डाला है और आधा ही चम्मच में व्हाइट वाला विनेगर डाल दिया। इसी के साथ में थोड़ी सी काली मिर्च भी डालेंगे फ्रेंड्स, आलू के कोटिंग में भी डाला था और अब इस मसाले के साथ भी 1/3 चम्मच काली मिर्च और 1/3 चम्मच ही में नमक भी डाल रही हूँ। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। अब अच्छे से 30 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर हम सॉसेज को भी कुक कर लेंगे। सारे सॉसेज भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हमने जो स्लरी बना के तैयार करके रखी है उसे हम डाल देंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा ये स्टार्टर रेस्टोरेंट स्टाइल बन रहा है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं और हमें इस तरह का स्टार्टर सर्व किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा घर पर बनेगा और वो भी सिर्फ घर के ही सामान से। अब हाई फ्लेम पर हम 30 सेकेंड के लिए इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने अभी मीडियम पर रखा है। जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालते हैं तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है। अब फ्रेंड्स जो आलू फ्राई करके हमने रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी आलू बने हैं। और जब भी आप इसे आलू को डालें तो तुरंत ही उसे सर्व करें, नहीं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं और अभी इसमें एकदम क्रिस्पीपन रहता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारा स्टार्टर बनके तैयार हुआ है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैंने पोटैटो स्नैक्स को प्लेट में निकाल लिया, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब थोड़े से सफ़ेद तिल ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे ताकि दिखने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और वैसे भी तिल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टार्टर की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप एक बार इसे बनाएंगे टेस्ट करेंगे तभी आप इसका असली टेस्ट जान पाएंगे। इसे हम कभी भी घर के छोटे मोटे प्रोग्राम में, कहीं कोई पार्टी हो तो उसमें स्टार्टर के रूप में दे सकते हैं या बच्चों को शाम की चाय के समय भी दिया जा सकता है। गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो उन्हें शाम को कुछ चटपटा खाने को चाहिए होता है, तो आप इस तरह की अच्छी टेस्टी रेसिपी उन्हें बनाकर देंगे तो ज़रूर से वो खुश हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।